अलवर जिले में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग लैब शुरू होने के बाद सैंपल का कार्य भी तेजी के साथ यहां हो रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 104 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें अलवर शहर और भिवाड़ी इलाके में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहर के मुख्य बाजार में लॉकडाउन लगाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया और साथ ही जिस इलाके में कोरोना के केस अधिक आ रहे हैं उस वार्ड को कंटेन जोन घोषित करने पर प्रशासन विचार कर रहा है। कोरोना का वास्तव में अलवर में काफी जो संक्रमण है वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने मीटिंग लेके और सबको निर्देशित भी किया हुआ है। जो ओआईसी की हमारी मीटिंग होती है उसमें सभी जो कोरोना के जो सेल संभालते हैं उसमें पीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब और खाद्य व्यवस्था के लिए आरडब्ल्यू साहब हैं और जो जनरल व्यवस्थाएं लाइन ऑर्डर की वो भी उस मीटिंग में डिस्कस की जाती। वर्तमान में जो कोतवाली क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया हुआ है वो अभी 12 तारीख तक है और उसके बाद आप अपन खुद देख रहे हैं कि जो इस लॉकडाउन की वजह से लोग ये कोतवाली क्षेत्र से बाहर जाना और बाहर वाले लोगों का अंदर आना एक प्रकार से प्रोहिबिट कर रखा है। इससे केसेस में काफ़ी कमी आई है और संक्रमण का जो फैल रहा था उसको भी काफी तरह से पाबंदी लगी है। अलवर जिले में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से शहर कोतवाली इलाके में लॉकडाउन के साथ ही भिवाड़ी में कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया हुआ है। ऐसे में पुलिस के साथ साथ ही होमगार्ड के जवान भी बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट पीएल चौधरी ने बताया कि कोरोना का संक्रमण लगातार जिले में फैलता जा रहा है, ऐसे में अलवर शहर और भिवाड़ी में करीब 650 होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ये जवान पुलिस प्रशासन के निर्देशन में सरकार के एडवाइजरी का पालन करवाने में भी सहयोग कर रहे हैं।